हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, पोल एंड पोलर, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवेन एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी तक हम लोग पढ़े थे उसका रिवाइज करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद है, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर अल्फा बीटा, रेडियस ए है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कब करेगा, जब एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशियंट सेम हो, एक्स वाई टर्म का कोफिशियंट जीरो हो एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो हो। पॉइंट सर्कल का मतलब है रेडियस जीरो। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाई सर्कल होगा टू टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड टू टाइम्स रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। सर्किल टचिंग बोथ एक्सिस के लिए फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस एक पॉइंट याद रखना है, उसका सेंटर मानेंगे ए कॉमा प्लस माइनस ए। जो सर्कल बोथ एक्सिस को टच करता है उसका सेंटर लाई आइदर ऑन लाइन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। थ्री गिवेन पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है तो दो मेन मेथड है। फर्स्ट मेथड है सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस निकाल करके, और दूसरा मेथड है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करते हुए। पिछले क्लास में हम लोग स्पेशल सिंबल देखे थे, एस मीन्स आर एच एस को जीरो बना करके जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज सिम्बोलाइज एज एस। एस वन का मतलब हो गया एक्स के जगह पर एक्स वन, वाई के जगह पर वाई वन सब्स्टिट्यूट करना, और टी का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स एक्स वन, वाई के जगह वाई स्क्वायर के जगह पर वाई वाई वन, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह पर वाई प्लस वाई वन बाई टू। एक्स वाई सर्कल में नहीं है, यदि रहेगा तो एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन बाई टू रखेंगे। पॉइंट एंड सर्कल पोजिशन ऑफ पॉइंट चेक करना है तो सीपी डिस्टेंस को रेडियस से कंपेयर करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए पॉइंट का पोजीशन चेक करना जरूरी नहीं है, पॉइंट इनसाइड हो या आउटसाइड हो दोनों के लिए मेथड सेम रहेगा, सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर। नियरेस्ट एंड फार्देस्ट पॉइंट निकालना है तो पहले पॉइंट का पोजीशन चेक करेंगे एंड देन यूज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने में हमेशा इजियर मेथड होता है। लाइन का पोजीशन चेक करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस निकालेंगे, यदि रेडियस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू लेस देन रेडियस इक्वल टू रेडियस और ग्रेटर देन रेडियस से कंपेयर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग सेकेंड टेंजेंट और आउटसाइड हो सकता है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का तीन मेथड आपको भूलना नहीं है या हमेशा याद रखना है। फर्स्ट मेथड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर एंड अदर किसी भी कर्व के लिए डी इक्वल टू जीरो। टेंजेंट का इक्वेशन तीन फॉर्म में जनरली हम लोग देखते हैं, पॉइंट फॉर्म टी इक्वल टू जीरो, स्लोप फॉर्म वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, वह भी टी इक्वल टू जीरो से आ जाएगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल पर कैसे मानते हैं, तो स्टैंडर्ड सर्कल है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, और यदि जनरल सर्कल है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट उसमें ऐड कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नॉर्मल। सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज पासेज थ्रू इट्स सेंटर। नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए किसी फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, सर्कल का नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट दिया रहेगा या स्लोप दिया रहेगा, तो सिंपली स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग सर्कल के नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1,1 ऑन द सर्कल। सर्कल पर 1,1 पॉइंट दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका नॉर्मल का इक्वेशन निकाल इस पॉइंट से। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। परपेंडिकुलर भी होगा और 1,1 से पास करेगा, और सर्कल के नॉर्मल का विशेषता होता है कि सेंटर से ही पास करेगा। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,-2। अब टू पॉइंट मिल गया, टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख लो, वाई माइनस वाई वन वन प्लस टू वन माइनस वन एक्स माइनस वन।
यहाँ पर नीचे में जीरो आ जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स इक्वल टू वन, ही नॉर्मल का इक्वेशन हो जाए, यही रिक्वायर्ड नॉर्मल हो जाए। और स्केल मेथड आपको याद होगा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वन है और यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट वन है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे एक्स इक्वल टू वन विल बी रिक्वायर्ड नॉर्मल। ओके, इसमें कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल हुज स्लोप इज थ्री। पिछले में पॉइंट फॉर्म था, पॉइंट दिया गया था, यहाँ पर स्लोप दिया गया है, किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि सर्कल का नॉर्मल हमेशा पास करेगा सेंटर से। सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखो माइनस टू कोमा वन, इससे एक नॉर्मल पास कराना है जिसका स्लोप दिया गया है थ्री। स्लोप हो गया, पॉइंट हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब इसमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है जो इस लाइन के पैरेलल है, सेंटर क्या हो जाएगा इसका माइनस थ्री कोमा टू, और यह एक लाइन कहीं पर दिया हुआ है। अब इस लाइन के पैरेलल और सेंटर से पास करते हुए जो लाइन होगा वही नॉर्मल हो जाएगा, रिक्वायर्ड नॉर्मल उसी तरह से लिखेंगे जैसे पैरेलल लाइन का इक्वेशन शॉर्टर मेथड से लिखते हैं, या दोनों टर्म सेम रखेंगे, फिर बीच में साइन माइनस देंगे, और एक्स के जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट रखो तो माइनस नाइन, वाई के जगह पर वाई कोऑर्डिनेट रखो एन इक्वल टू जीरो, यही आंसर हो जाएगा। ओके, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट एक न्यू टर्म है, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का डिफिनीशन क्या है, मीनिंग क्या है वह समझिए। एक सर्कल है और बाहर में कोई पॉइंट दिया गया है x1 कोमा y1, s इक्वल टू जीरो, एक सर्कल है बाहर में एक पॉइंट दिया गया है या गिवन पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट बनाना है, दो टेंजेंट, इनका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ए और बी है, तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है इसी कॉर्ड का नाम है कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कंटेक्ट। देखो इस फिगर में देख करके डिफाइन करो, यह लाइन कॉर्ड है, यह कॉर्ड किसको ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट्स को, किसके पॉइंट ऑफ कंटेक्ट्स को, दो टेंजेंट को, यह दो टेंजेंट किसका है, ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का डिफिनेशन हो जाएगा कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कंटेक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। इसका डिफिनेशन सुन के याद हो गया होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉर्ड, बोलो एक बार फिर साथ साथ, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कंटेक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। सी ओ सी लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन कैसे लिखा जाए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है टी इक्वल टू जीरो। यह कैसे आएगा, प्रूफ देख लो, सर्कल मान लेते हैं स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां पर बाहर में एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं गिवन पॉइंट x1 y1, और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इनका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट a और b है, और इस लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए, यही कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। इसका इक्वेशन कैसे लिखें, यह डेरिवेशन ना बहुत ही डिफरेंट वे में है, बहुत ही सिंपल भी है और डिफरेंट तरीका से इसको ड्राइव करते हैं। इसकी विशेषता है कि कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, एज्यूम करना है, ओनली ए और बी का कोऑर्डिनेट मानना है, तो लेट ए एंड बी बी एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री
वाई थी, ये मान लिया, इसको मान लिया एक्स टू वाई टू और यह मान लिया एक्स थ्री वाई थ्री। अब ए और बी पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना, टेंजेंट एट ए, टेंजेंट का फॉर्मूला भी टी इक्वल टू जीरो, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का भी फॉर्मूला टी इक्वल टू जीरो, दोनों में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा देर के बाद समझाएंगे। टेंजेंट एट ए लिखना है तो टी इक्वल टू जीरो लिख देना है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स एक्स टू लिखेंगे क्योंकि पॉइंट एक्स टू वाई टू है, तो एक्स एक्स टू प्लस वाई वाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर। और यह टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, पी से, पी का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, पुटिंग पी, पी का कोऑर्डिनेट रख दो, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर, यह रिलेशन फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट एट बी लिखेंगे, सिमिलरली टेंजेंट एट बी, बी पर जब टेंजेंट लिखेंगे तो एक्स एक्स थ्री, फिर इसका टी लिखो वाई वाई थ्री, अरे टर्म सेम रहेगा। अब यह भी कहाँ से पास कर रहा है, एक्स वन कोमा वाई वन से, तो इसमें पुट करेंगे, पुटिंग एक्स वन कोमा वाई वन, तो क्या आ जाएगा, एक्स वन एक्स थ्री प्लस वाई वन वाई थ्री इक्वल टू ए स्क्वायर, यह हो गया सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। अब जो है ये जो t इक्वल टू जीरो जो प्रूव करना है यह हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, कंसीडर एक्स वन वाई वन के रेस्पेक्ट में जब t लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन, ये भूल जाना है, ऊपर क्या क्या लिखे उसको छोड़ दीजिए। अब लिखिए यह t का मतलब क्या है, इस t का मतलब है एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के जगह पर वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस लाइन के बारे में सोचना है कि यह लाइन इसमें से जो फिगर जो दिख रहा है उसमें से कौन सा लाइन है, लाइन हमेशा दो पॉइंट से डिटरमाइन हो जाता है। यदि कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट कौन है जो ए बी को ज्वाइन करे, ए का कोऑर्डिनेट यदि इस लाइन को सेटिस्फाई करे तो इसका मतलब क्या है, यह ए से पास कर रहा है, बी का कोऑर्डिनेट भी यदि इसको सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब क्या है, बी से पास कर रहा है, और ए और बी दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह जो हम लोगों ने लिखा कंसीडर जो कर रहे हैं इक्वेशन, यह कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन हो जाएगा। यह कैसे करें कि यह कैसे चेक करें कि ए से पास कर रहा है या नहीं पास कर रहा है, तो ए का कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जब रखेंगे तो एक्स टू एक्स वन प्लस वाई टू वाई वन, तो देखो यहाँ पर एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू का वैल्यू क्या हम लोग ला चुके हैं, ए स्क्वायर, तो एक्स टू वाई टू जब इसमें रखेंगे तो फ्रॉम रिलेशन वन एल एच एस हो जाएगा ए स्क्वायर, आर एच एस भी है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट भी रखेंगे तो सेकेंड बोलेगा कि बी का कोऑर्डिनेट भी इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो टू एंड थ्री इम्प्लाइज, नहीं फर्स्ट और ना फर्स्ट और सेकेंड इम्प्लाइज, इसको मान लेते हैं थ्री, फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज लाइन थर्ड पासेज थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, हेंस इक्वेशन थर्ड इज कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, क्लियर है। देखो ये कितना डिफरेंट वे में प्रूफ है इसका, इसके प्रूफ में हम लोग ना ए और बी का कोऑर्डिनेट नहीं निकाले, केवल एजम्पशन किए और उसी से प्रूव हो गया। ए और बी को मान करके लाइन का इक्वेशन भी नहीं लिखना है, टी इक्वल टू जीरो लिख दीजिए अपने मन से, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का कोऑर्डिनेट थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, बी का कोऑर्डिनेट थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, तो वन और टू सपोर्ट करेगा कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, इसका मतलब है कि थर्ड लाइन पासेज थ्रू ए एंड बी, और ए और बी से जो पास करेगा उसी का नाम कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट है, टी इक्वल टू जीरो ही फॉर्मूला हो गया कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का। अब आपको थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा होगा कि टेंजेंट का भी फॉर्मूला टी इक्वल टू जीरो था, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का भी फॉर्मूला टी इक्वल टू जीरो, एक ऐसा हो सकता है, तो इसको समझिए। जैसे मान लो यह एक लाइन है और यह एक सर्कल है, सर्कल के लिए लाइन क्या है सेकेंड, अब कोई दूसरा सर्कल है तो क्या है टेंजेंट, अब कोई सर्कल ऐसा है तो यह लाइन क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा। लाइन तो एक ही है लेकिन तीनों सर्कल के लिए इसका नाम अलग अलग है, यह लाइन क्या है सेकेंड है टेंजेंट है या
आउटसाइड है, ये डिपेंड करेगा पोजीशन पर कि सर्कल का पोजीशन और लाइन का पोजीशन रेस्पेक्टिव पोजीशन कैसा है। उसी तरह से यदि पॉइंट सर्कल पर दिया गया हो x1 कोमा y1, तो t इक्वल टू जीरो जब लिखेंगे तो वह टेंजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, और पॉइंट यदि बाहर में दिया हो और इसके लिए जब t इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो उस लाइन का नाम हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। फॉर्मूला सेम हो सकता है, वैल्यू डिफरेंट है। टेंजेंट के इक्वेशन में जब t इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो x1 y1 पॉइंट सर्कल पर लाई करता है, और कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट पर जब t इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो x1 y1 पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है। फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, हो गया। t इक्वल टू जीरो दोनों का सेम फॉर्मूला रहते हुए भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्कल गिवेन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट फ्रॉम ओरिजिन गिवेन दैट कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट इज ड्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू -2,1। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्कल है और एक पॉइंट दिया गया है -2,1, इसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, चाहो तो फिगर बनाओ, यदि सोल्व करने के लिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए फिगर बना देते हैं। इस कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन लिखना है, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के जगह पर रखेंगे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के जगह पर वाई वाई वन, -2x + x1/2 +4y + y1/2 -1=0। अब एक्स वन के जगह पर -2, वाई वन के जगह पर वन रख दो, -2x + y या 2 कैंसिल, -x, एक्स वन के जगह पर -2 रखेंगे, यह हो जाएगा +2, यह हो जाएगा 2 times y, 2y1, वाई वन के जगह पर 1 रखेंगे 2 -1=0, इसको सिंप्लीफाई कर दें, -3x + 3y, यह कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 3=0, -3 से डिवाइड कर लो तो x - y - 1=0, यह हो गया कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन तो एक्स के जगह पर 0, वाई के जगह पर 0, -1 का मॉड 1, अब आई रूट अंडर a² + b² हो गया आंसर, ठीक है। पॉइंट है पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर क्या होता है यह समझिए, एक सर्कल गिवेन है और एक पॉइंट आउटसाइड गिवेन है, यह गिवेन पॉइंट और यह s = 0 सर्कल भी गिवेन है, यहां से ड्रॉ करना है सेकंड, कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जहां सर्कल को मिट किया वहां पर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, सर्कल को जहां पर यह सेकंड कट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ड्रॉ कीजिए टेंजेंट, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका लोकस निकालेंगे और उसी लोकस का नाम है पोलर, ठीक है। पोलर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि गिवन पॉइंट से सेकंड ड्रॉ करेंगे, सेकेंड पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और पेयर ऑफ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है दैट इज कॉल्ड पोलर, और जिस पॉइंट से ड्रॉ किया गया था सेकेंड इसका नाम है पोल, ठीक है। यदि पॉइंट सर्कल के इनसाइड हो, यहां पर मान लो पी हो, तो यहां से भी सेकेंड ड्रॉ किया जा सकता है, यह हो गया सेकेंड, और इस सेकेंड जहां पर मिला यहां से ड्रॉ करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा इसका लोकस निकाल देंगे, वह लोकस ही आ जाएगा पोलर, और जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं उसका नाम हो जाएगा पोल, ठीक है। अब इसमें जैसे चाहो तो 4 कॉर्ड दिखा सकते हो, सेकंड दिखा सकते हो, और जरूरत नहीं है, ये तो वेरिएबल है, मेनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, मेनी सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, और उनके पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स को डिटरमाइन करें और सभी को ज्वाइन करें तो उसी का नाम हो जाएगा पोलर। और ये जब ड्राइव करेंगे तब पता चलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, पोलर इज ए स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ पोलर का फॉर्मूला भी क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो। टेंजेंट का ही फॉर्मूला, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट एंड पोलर, तीनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज है। टेंजेंट के लिए एक्स वन वाई वन सर्कल पर दिया पॉइंट होगा, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट के लिए बाहर होगा, और पोल एंड पोलर के लिए गिवन पॉइंट बाहर भी हो सकता है और सर्कल के इनसाइड भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कोई लाइन t इक्वल टू जीरो से जो आ रहा है वह पोलर है, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट है या टेंजेंट है, वह डिपेंड करेगा गिवन पॉइंट के पोजीशन पर। ठीक है, और अभी जस्ट देखे थे कि पॉइंट बाहर होगा तो t इक्वल टू जीरो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो पोलर होगा या लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाला, तो बाहर से जब कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट एंड पोलर दोनों सेम है। ठीक है, यदि पॉइंट आउटसाइड है तो पोलर का इक्वेशन और कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन और लाइन का पोजीशन दोनों सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, ओके, लेकिन पोल एंड पोलर सिलेबस में नहीं होने के कारण इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ बुक्स में यह दिया रहता है इसलिए आपको थोड़ा बता दिया, और इसलिए बताया ना पढ़ने के लिए नहीं, इसको पढ़ना नहीं है, बस पोल एंड पोलर का थोड़ा नाम जान लीजिए, टी इक्वल टू जीरो इक्वेशन होता है जान लीजिए, अदरवाइज इस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था उसका। नेक्स्ट है कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, और ओबियसली कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट दिया गया है x1 कॉमा वाई वन, या मिड पॉइंट, और सर्कल s इक्वल टू जीरो गिवन है, तो कहा जा रहा है कि इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखे। जब मिड पॉइंट गिवन है तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, सेंटर निकाल सकते हैं माइनस जी माइनस एफ, सी एम का स्लोप निकल जाएगा, हम माइनस वन बाई एम कर दें तो कॉर्ड का भी स्लोप मिल जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, कॉर्ड का स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद जो फॉर्म आएगा वह आएगा टी इक्वल टू एस वन, टी इक्वल टू एस वन ही फॉर्मूला हो गया कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, टी इक्वल टू एस वन, टी कैसे लिखते हैं आपको पता है, एस वन कैसे लिखते हैं पता है आपको, अब इस पर क्वेश्चन कर लें तो ज़्यादा क्लियर। राइट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट टू कोमा वन, मिड पॉइंट कॉर्ड का दिया गया है तो कॉर्ड का इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू एस वन, रिक्वायर्ड कॉर्ड विल बी गिवेन बाई टी इक्वल टू एस वन, टी कैसे लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के जगह पर वाई वाई वन, माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन बाई टू माइनस थ्री। एस वन कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को रख देंगे, रख दो, फोर प्लस वन माइनस टू रखेंगे तो फोर माइनस थ्री, और यहाँ पर भी एक्स वन वाई वन के जगह पर पॉइंट कोऑर्डिनेट रखो, टू एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू माइनस थ्री, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस टू, फोर फोर तो कैंसिल हो जाएगा, अब एक तरफ सब बुला दो, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यही हो जाएगा कॉर्ड का इक्वेशन। जब भी मिड पॉइंट गिवेन हो तो टी इक्वल टू एस वन फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है बच्चों, देखो कॉर्ड जितना फॉर्मूला सिंबल में पढ़े हैं ना वह सबके लिए है, सर्कल के लिए भी होगा, पैराबोला के लिए भी होगा, इलिप्स के लिए भी होगा, हाइपरबोला के लिए भी होगा। सर्कल में टेंजेंट का इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो पॉइंट फॉर्म है तो पैराबोला में भी टी इक्वल टू जीरो, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो पूरे चैप्टर के लिए सेम रहेगा, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन टी इक्वल टू एस वन सर्कल के लिए भी होगा, पैराबोला के लिए भी होगा, इलिप्स हाइपरबोला के लिए। अब देखेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे ला, एक पॉइंट बाहर में दिया गया है एक्स वन कोमा वाई वन या गिवन है, और यह सर्कल का इक्वेशन भी गिवन है एस इक्वल टू जीरो,
और कहा जा रहा है कि यह पेयर ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट बाहर में पॉइंट रहेगा तो ड्रॉ करेंगे, इस दोनों का इक्वेशन क्या होगा। समझिए पहला मेथड, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यह होता है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको याद रखेंगे, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस का मतलब जो कर्व का इक्वेशन है, आर एच एस को जीरो बना करके जो बचेगा लेफ्ट साइड में उसको एस के जगह पर रख देना है। एस वन का मतलब एक्स वन वाई वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, टी आप समझते हैं, टी लिख करके होल स्क्वायर कर देंगे, बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन यही फॉर्मूला है। यह आता कैसे है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मान लिया, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ड्राइव करते हैं और उसी को जनरलाइज कर देते हैं, और बाहर में कोई पॉइंट दिया गया है एक्स वन कोमा वाई वन, इससे हम दो लाइन ड्रॉ किए, दो टेंजेंट। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम लोकस का प्रोसेस यूज करेंगे। लोकस कैसे निकालते थे, तो एक वेरिएबल पॉइंट मानते हैं, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया एच के। अब दो पॉइंट हो गया तो लाइन का इक्वेशन लिख लो, अभी टेंजेंट मत मानो, अब लाइन का सिंपल इक्वेशन लिखो, तो वाई माइनस वाई वन के माइनस वाई वन बाई एच माइनस एक्स वन आई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, थोड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक जगह कनेक्ट करेंगे, वाई एक जगह और कॉन्स्टेंट नंबर एक जगह, ठीक है। अब इस लाइन को टेंजेंट होना है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर दें। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब अप्लाई करेंगे, मॉड सी पाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रेडियस जब करेंगे और उसको स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ये लिखने में बहुत थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन लिटरली आप समझ लीजिए, ओरली समझ लीजिए कि एच के मान करके हम लोग लोकस के मेथड से प्रोसीड करेंगे। दो पॉइंट लाइन पर हो गया तो लाइन का इक्वेशन लिखे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करते ही यह फॉर्मूला आ जाएगा एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको डिलीट करते, समझ गए आप। अब देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला है इसमें जैसे दो पेयर ऑफ टेंजेंट है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट दो है तो दोनों का ये ज्वाइंट इक्वेशन है। अभी बढ़ते हैं ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के रूप में आंसर आएगा, तो ज्वाइंट इक्वेशन मिले दोनों इक्वेशन एक साथ। बहुत बार क्या होगा, आंसर सेपरेट दिया रहेगा, दो इक्वेशन अलग अलग, तो दो इक्वेशन अलग अलग यदि लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए मेथड है फॉर सेपरेट इक्वेशन अरेंजमेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स अब फॉर्मूला नहीं, प्रोसेस अब है। तो पहला स्टेप है कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखो एम के टर्म में, जैसे एक्स वन वाई वन पॉइंट तो गिवन है, तो लेट टेंजेंट भी y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप है अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन टेंजेंसी कैसे अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। इससे क्या होगा ना, m का दो वैल्यू मिले, गेट टू वैल्यू, जब m दो वैल्यू मिल गया तो एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो दो आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड आपको ध्यान में रखना है, यदि ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए तो फॉर्मूला यूज कीजिए, सेपरेट इक्वेशन चाहिए तो ये प्रोसेस यूज कीजिए, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ो, कुछ नोट है, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कंटेक्ट व्हेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन, यह क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन गिवेन है एस इक्वल टू जीरो और एक लाइन का इक्वेशन गिवेन है जो टेंजेंट है,
एल इक्वल टू जीरो, या टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है। तो कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट का कोऑर्डिनेट निकाल। ये अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट दिया रहता था, तो टी इक्वल टू जीरो यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे थे। अब उल्टा हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट निकालना है। इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कैसे निकालेंगे? तो मेनी वेज है निकालने। आप मान लो कोई मेथड नहीं जानते हो तो सिंपली क्या करोगे, दोनों को सॉल्व कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा वही पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हो जाएगा। लेकिन लाइन और सर्कल का इक्वेशन बहुत बड़ा होता है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। हम लोग कोई अल्टरनेट मेथड देखेंगे कि विदाउट सॉल्विंग कोई ऐसा मेथड है जिससे पॉइंट ऑफ कंटेक्ट मिल जाए। यस मेथड है, या सेंटर है, और या इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए तो यह पॉइंट पी मिल जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इमेज के फॉर्मूला से टू को केवल हटा दीजिए। इमेज का फॉर्मूला याद है ना, बोलो एक्स टू माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस टू, नहीं अब लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे जो एक्स टू वाई टू मिलेगा वह पी का कोऑर्डिनेट होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज कर दो। तो पहला मेथड हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यूज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो सेंटर का तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट मिल जाए। और कोई दूसरा मेथड? तो दूसरा मेथड भी है, नॉर्मल का इक्वेशन लिख दो। सेंटर एक्यूरेट पता है, इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो परपेंडिकुलर लाइन का एक शॉर्टर मेथड लिखने आता है ना, कोफिशियंट इंटरचेंज करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे, फिर माइनस टाइम्स दे करके पॉइंट का एक्यूरेट रखेंगे। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख देंगे और टेंजेंट और नॉर्मल दोनों को सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट मिल जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड यही मेथड होगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड हो गया राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके बाद सॉल्व एल इक्वल टू जीरो एंड नॉर्मल का इक्वेशन को सॉल्व कर दो, गेट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट मिल जाएगा। एक तीसरा मेथड भी है, थर्ड मेथड क्या कहता है? थर्ड मेथड कहता है कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को मान लो, इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में क्या करना है कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को मान लो, लेट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी बी एक्स वन कोमा वाई वन, एक्स वन वाई वन मान लो, और राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे? टी इक्वल टू जीरो। अब यह टी इक्वल टू जीरो इस लाइन का इक्वेशन है, और क्वेश्चन में जो गिवन है एल इक्वल टू जीरो इसी लाइन का इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन क्या होगा? सेम होगा। L इक्वल टू जीरो एंड T इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट सेम लाइन, ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? तो कोफिशियंट का रेशियो इक्वल करेंगे तो एक्स वन वाई वन का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेट रेशियोज ऑफ कोफिशियंट्स और इसके बाद गेट एक्स वन कोमा वाई वन। ये थोड़ा आपको समझा देते हैं, ये क्या है इक्विवेलेंट। जैसे मान लो कोई लाइन है टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये दोनों इक्वेशन सेम है या डिफरेंट है? पढ़े हैं ना, इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन सेम है। यह दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन जब दिया गया हो और कहा जाए कि दोनों सेम है, तो कैसे चेक करें कि दोनों सेम है? तो बहुत सिंपल है, कोफिशियंट इक्वल नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है, कोफिशियंट इक्वल हो भी सकता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है। यहाँ रेशियो देखेंगे, टू बाई फोर माइनस वन बाई माइनस टू, और यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टर्म का कोफिशियंट माइनस वन बाई माइनस टू। यह रेशियो और यह रेशियो सभी रेशियो इक्वल आएगा,
कोरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट का रेशियो इक्वल होते हैं जब दो इक्वेशन सेम कर्व को सेम लाइन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कंपेरिजन मेथड क्या कहता है कि एक तो क्वेश्चन में दिया गया है टेंजेंट का इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन आप खुद लिखिए फॉर्मूला से टी इक्वल टू जीरो से, और दोनों इक्वेशन एक ही लाइन का है तो उनके कोफिशियंट का रेशियो इक्वेट कर दो। टी के इक्वेशन में तो एक्स वन वाई वन इन्वॉल्व है, एल के इक्वेशन में नंबर कॉन्स्टेंट नंबर इन्वॉल्व है, तो एक्स वन वाई वन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब कौन मेथड यूज करें, तीनों में कौन बेस्ट मेथड है, तो आप चाहे तो पहला मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं। थर्ड मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाए, लेकिन थर्ड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। मान लो पैराबोला में ही क्वेश्चन होता, टेंजेंट दिया गया है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट निकालिए, तो पैराबोला में सर्कल जैसा सेंटर नहीं होता है, तो वहां पर केवल इकलौता मेथड होगा कंपेरिजन मेथड। कंपेरिजन मेथड को कभी नहीं बोलना है, क्योंकि सर्कल में तो तीन मेथड है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए इकलौता मेथड कंपेरिजन मेथड। इस मेथड को हमेशा याद रखेंगे, नेवर फॉरगेट के लिस्ट में यह भी आएगा। अब सुनेंगे आपसे वन बाई वन करके, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो जितना भी तक हम लोग पढ़े उस सभी पर क्वेश्चन करते हैं। इफ 2x - y - 3 = 0 बी कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ सर्कल फाइंड कोरस्पोंडिंग पॉइंट। अब देखो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट तो अभी जस्ट क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी के साथ क्वेश्चन पढ़ा, अब यहां पर उल्टा क्वेश्चन है। इफ इतना भी कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट हमेशा इस तरह से होगा, एक पॉइंट बाहर में दिया रहेगा और यहां से पहले बनाएंगे टेंजेंट और इसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी लाइन का इक्वेशन दिया गया है कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का, 2x - y - 3 = 0। सर्कल का इक्वेशन भी गिवन है, एस इक्वल टू जीरो, तो कहा जा रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, इसका मेथड सोचो, बड़े तो नहीं है। पॉइंट दिया जाएगा तो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू जीरो। अब कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन दिया गया है तो पॉइंट कैसे निकाला जाए, तो अभी चलते हैं पिछले पेज पर और यह कंपेरिजन जो मेथड है इसको समझिए। कहीं पर भी पॉइंट निकालना हो और उसके रेस्पेक्ट में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा हो तो कंपेरिजन मेथड हमेशा यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट निकालने के लिए तो तीन मेथड है, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड कंपेरिजन मेथड। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट निकालना, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का पॉइंट निकालना है तो कंपेरिजन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तक वेट नहीं करना है कंपेरिजन मेथड यूज करने के। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कंटेक्ट निकालना है तो तीनों में से कोई मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड यूज करेंगे, थर्ड में तो टाइम लगेगा तो थर्ड मेथड क्यों यूज करेंगे। लेकिन कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का पॉइंट निकालना हो तब तो क्या करना पड़ेगा, कंपेरिजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। इसको भी समझ लेते हैं। यदि कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन गिवन, इट्स इक्वेशन इज गिवन एल इक्वल टू जीरो बट पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, एस इक्वल टू जीरो यह भी गिवन है, इस पी को निकालना है तो इसके लिए कौन मेथड यूज करेंगे। टू फाइंड पी यूज कंपेरिजन मेथड, इकलौता मेथड होगा। कंपेरिजन मेथड कैसे करेंगे तो फिर पी को मानेंगे मेथड, दैट इज सबसे पहले क्या करेंगे, पी को एज्यूम करेंगे, लेट पी बी एक्स वन कोमा वाई वन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, राइट कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट एच टी इक्वल टू जीरो, यह हो गया सेकेंड इक्वेशन और यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर दो, कंपेयर क्योंकि दोनों सेम होगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर करने का मतलब रेशियो सेम करना, गेट एक्स वन कोमा वाई वन, एक्स वन कोमा वाई वन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपेरिजन मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है। तो क्वेश्चन में आइए, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन गिवन है, इसको मान लिया फर्स्ट,
और पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पी को मान लेंगे एक्स वन कोमा वाई वन और कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग फार्मूला टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स एक्स वन, एक्स एक्स वन लिखो, वाई स्क्वायर के जगह पर वाई वाई वन, माइनस फोर टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन बाई टू माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको कैंसिल कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिमिलर टर्म एक जगह लग लग, एक्स यहाँ पर भी है एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स वन माइनस टू एक्स वाई वन वाई माइनस टू एक्स वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। यह हो गया सेकेंड इक्वेशन। यह फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वल इक्वेशन है, इक्वल इक्वेशन में कोफिशियंट का रेशियो सेम होगा। यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट क्या है एक्स वन माइनस टू, और यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट क्या है टू, दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ पर वाई का कोफिशियंट वाई वन, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर है माइनस टू एक्स वन माइनस वन, और यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर है माइनस थ्री। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स वन का वैल्यू मिल जाएगा, अब फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वाई वन का वैल्यू मिल जाएगा, तो दो पार्ट में सॉल्व करें। इस फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस थ्री एक्स वन प्लस सिक्स, और टू से इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फोर एक्स वन माइनस टू, एक तरफ लाओ एक्स वन को फोर एक्स वन को एक्स वन, और इधर हो जाएगा माइनस एट, एक्स वन का वैल्यू मिल गया माइनस एट। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दो ऑल्सो, तो यहाँ से लिख देते हैं थोड़ा जगह बच जाएगा ऑल्सो, इस दोनों को इक्वेट कर दो, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वन प्लस टू, और टू से मल्टीप्लाई कर दो टू वाई वन, एक्स वन का वैल्यू रख दो, यह हो जाएगा माइनस प्लस एट हो जाएगा प्लस टू इक्वल टू टू वाई वन, तो वाई वन का वैल्यू हो जाएगा फाइव, पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस एट कॉमा फाइव। समझ में आया, कंपेरिजन मेथड बहुत ही मजेदार मेथड है, जब भी पॉइंट निकालना हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई फॉर्मूला हो आप हमेशा कंपेरिजन मेथड यूज कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन और फॉर्मूला से मिला इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर देना है, कोफिशिएंट का रेशियो को इक्वल कर देना है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको फिर सॉल्व करना चाहिए, तो आप यहां चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन बिना देखे हुए क्वेश्चन को फिर दोबारा सॉल्व करके आंसर देखिए आपसे कैलकुलेट हो पा रहा है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन हर चैप्टर में, आगे के हर चैप्टर में मिलेगा, और सेम प्रोसेस सॉल्व होगा। लेट इतना कट्स द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पी एंड क्यू, यह क्वेश्चन सोचो क्या है, कहा जा रहा है यह एक सर्कल गिवन है और यह लाइन जो है ना कट कर रहा है सर्कल को पी और क्यू पर, और कहा जा रहा है पी और क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यह लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, वहां टेंजेंट बनाना है पेयर ऑफ टेंजेंट, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये आपको ऐसा लग रहा है क्या, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जान बुझ के क्वेश्चन देने वाला इस तरह से क्वेश्चन लिखता है कि कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट वर्ड ही यूज नहीं करना पड़े, आप उलझ जाइए पेयर ऑफ टेंजेंट समझ करके, पेयर ऑफ टेंजेंट का तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, उसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट पर बेस्ट क्वेश्चन दे करके कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू की तरफ से नहीं देखेंगे, अब देखेंगे ए की तरफ से, ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया और उसके कॉर्ड पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को ज्वाइन किया गया, तो यह हो गया कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट गिवन है तो ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, कंपेरिजन मेथड एक्स वन वाई वन मान लेंगे, फिर टी इक्वल टू जीरो लिखेंगे और दोनों इक्वेशन का कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल करेंगे तो एक्स वन वाई वन का वैल्यू मिल जाएगा। यह प्रैक्टिस खुद आप करें, इस तरह क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर लें तो बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। जैसे एक तो है कंसेप्ट सीखना, एक है प्रैक्टिस में लाना। जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं, खुद सॉल्व करके सही आंसर नहीं लाएंगे तो वह 100% सीखना नहीं हुआ। और कंपेरिजन मेथड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका प्रैक्टिस बाद में नहीं एट द टाइम होना चाहिए।
इसको अभी सॉल्व कीजिए और सही आंसर लाइए। मान लो आपका आंसर गलत आ गया तो फिर दोबारा सॉल्व करो, फिर जब तक सही नहीं आता है इसी क्वेश्चन पर रुके रहो, और जब सही आ जाए तब फिर आगे वीडियो देखो। ओके, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -1,2 विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड लैम्डा। यह क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझिए, अभी तो पढ़ के क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, एक रफ फिगर बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सर्कल है, इफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट और -1,2 बाहर में होगा क्योंकि कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रॉ किया जा रहा है, तो यहां से बनाना है कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट जब भी बनेगा तो पहले पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना पड़ेगा और इसके पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ही हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। इफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर इसका क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन पर यह 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कॉर्ड का जो पोर्शन है, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का जो पार्ट है सर्कल के अंदर, वह ओरिजिन पर 90 डिग्री, सेंटर पर 90 डिग्री बना रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू निकालें, कैसे इसको सॉल्व करें। तो पहले तो लिखो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन, उसके बाद समझाते हैं कैसे करें। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा, t इक्वल टू जीरो लिखो, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स एक्स वन तो -1 × x, वाई स्क्वायर के जगह पर y y1 2y = λ। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें या इसी तरह रख लेते, ठीक है, यह हो गया कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन। अब देखो, याद करो होमोजिनाइजेशन मेथड, सर्कल का मतलब कर्व का इक्वेशन दिया गया है और यह लाइन का इक्वेशन दिया गया है, दोनों कट कर रहा है ए और बी पॉइंट पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला पेयर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर है। यहाँ पर कौन मेथड यूज करना चाहिए, होमोजिनाइजेशन मेथड। यूजिंग होमोजिनाइजेशन मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, लाइन के इक्वेशन से वन का वैल्यू लाते हैं, तो यहां से वन का वैल्यू ला लो, -x + 2y / λ = 1। सर्कल के इक्वेशन में जो टर्म 2 डिग्री का नहीं है उसको 2 डिग्री बनाएंगे। तो सर्कल के इक्वेशन का पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, यह 2 डिग्री का है, वाई स्क्वायर 2 डिग्री का है, लैम्डा में 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा टाइम्स, और इस 1 के जगह पर यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब यह कहा जा रहा है कि यह हो गया पेयर ऑफ लाइन, हो गया यह हो गया अब कर्व नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होने के लिए क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसके लिए निकालना पड़ेगा आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और पिछले कई क्लासों से आपको बता रहे हैं कोफिशियंट निकालने के लिए सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, आप देख करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, 1 इसका कोफिशियंट है, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर कोफिशियंट आएगा, तो 1 / λ। फिर कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालो, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पर 1 है, अच्छा एक मिनट, यह राइट साइड में था ना, तो इधर लाएंगे तो लेफ्ट साइड में, एक तरफ ला के लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा 4 / λ -λ² आएगा, एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 4 / λ। यह हो गया ए, यह हो गया बी, अब ये दोनों लाइन कह रहा है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन्स के लिए ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी करो 1 - 1 / λ प्लस 1 - 4 / λ इक्वल टू जीरो, इसे लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो होमोजेनाइजेशन मेथड, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस और फैमिली ऑफ अदर लाइंस भी, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यह सर्कल में भी यूज होगा, पैराबोला में भी यूज होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करने वाला कोई लाइन से रिलेटेड पॉइंट वैल्यू निकालना हो तो समझ जाइए वहां पर होमोजिनाइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके,
लैम्डा का वैल्यू आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कल, अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कंसेप्ट समझाना था प्रैक्टिस कराना था वह हो चुका है, अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन। एक सर्कल है मेक्स ए कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स इक्वेशन इन न्यू पोजीशन। सर्कल ना लुढ़क रहा है एक्स एक्सिस पर, एक बार कंप्लीट जब रोलिंग हो जाएगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, पहले तो इसका ओरिजिनल पोजीशन निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल पोजीशन क्या है वहां से कंप्लीट रोल करेंगे, कंप्लीट रोल करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस के बराबर, तो पहले इसका निकालो सेंटर रेडियस। सर्कल का सेंटर क्या है 2, -1, रेडियस निकालो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 1 आ जाएगा। पेरीमीटर भी निकालो सर्कमफेरेंस 2πr, आर तो 1 है तो 2। अब एक फिगर बनाएं, चाहो तो वाई एक्सिस छोड़ भी सकते हो, एक्स एक्सिस पर रोल कर रहे हैं ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट -1 है, कुछ यहाँ सर्कल है और रेडियस भी 1 है और वाई कोऑर्डिनेट भी -1 है, इसका मतलब सर्कल इस तरह से होगा एक्स एक्सिस को टच करते हुए। अब ये रोल करके मान लो यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, कह सकता है 2πr, तो 2π सर्कमफेरेंस के बराबर। अब यह जो वैल्यू है इसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट कितना है 2, यह डिस्टेंस 2 ऑलरेडी है, इस पोजीशन में अब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 + 2π। अब यह देखो यह y कोऑर्डिनेट जो है वह चेंज करेगा या सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका -1, तो इसका भी हो जाएगा y कोऑर्डिनेट -1। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट सेट करेंगे फिगर बना करके, रेडियस क्या रहेगा, तो सर्कल को रोलिंग कराएंगे तो रेडियस क्या होगा सेम रहेगा, तो रेडियस 1 रहेगा, तो अल्फा बीटा मिल गया, रेडियस मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लीजिए, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, अल्फा की जगह पर यह वैल्यू, बीटा की जगह पर यह वैल्यू, रेडियस की जगह पर रेडियस का वैल्यू रख दो, वही आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इमेज ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन में तो आपने पढ़ा था कि पॉइंट का इमेज लाइन के रेस्पेक्ट टू, अब है सर्कल का इमेज लाइन के रेस्पेक्ट, कैसे निकालेंगे सोचो थोड़ा देर, कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। देखिए x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 को एक तरफ ला दिया और यहाँ पर मान लिया कि यह सर्कल है, अब इसका सेंटर क्या होगा 1, 0, रेडियस निकालो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वो भी 1 आएगा। अभी सर्कल का इमेज जो है इसके अपोजिट साइड में आएगा, यह इमेज मान लेते हैं, तो जब इमेज जब आएगा तो सर्कल का इमेज तो सर्कल ही बनेगा, रेडियस क्या रहेगा वही रहेगा, बस केवल क्या चेंज होगा सेंटर, इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इमेज का फॉर्मूला यूज करते, बी को मान ले x2, y2 और इमेज का फॉर्मूला यूज करते, सेंटर का इमेज निकालेंगे पूरे सर्कल का इमेज अपने आप हो जाएगा। इमेज का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 / x का कोफिशियंट, y2 - y1 / y का कोफिशियंट -2 times x1 y1 रख देना है तो 1, 0 रख देंगे, 1 + 0 - 4 a² + b² या 2 कैंसिल, यह वैल्यू हो जाएगा -3 + 3 आ जाएगा। अब फर्स्ट को लास्ट से इक्वेट कर दो तो x2 का वैल्यू मिल गया 4 और y2 का वैल्यू रह जाएगा 3, तो न्यू जो सेंटर हो गया न्यू सेंटर वह हो गया 4, 3, रेडियस पता है, न्यू सर्कल जो हो जाएगा लिख दो पटक से x - 4 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। बहुत सिंपल था। ओके, यह सब कुछ समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन सभी को एक बार फिर क्लास नोट बनाइए। इस क्लास नोट आपको डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे या उसको कॉपी कर करके गूगल क्रोम में पेस्ट कीजिए, फिर इंटर करेंगे तो आपको क्लास नोट पीडीएफ में मिल जाएगा। और उससे अपना नोट बनाइए, फिर रिवाइज कीजिए। आज जो प्रैक्टिस शीट है उसके क्वेश्चन को, जो टॉपिक पढ़ाई हुआ है उसको सिलेक्ट करके सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।